सो गाइज हम चल रहे हैं काकड़ी बारदी हिल्स। ये काकड़ी बारदी माउंटेन हम ट्रैक कर रहे हैं। पीछे क्रिसेंट रिसोर्ट आपको दिखेगा, ऊपर जाके बहुत ही मनमोहक नज़ारा आसपास के सिटी का दिखेगा। बारिश की बात ही अलग है। अब ये देखो हमारे हाथ रोप ग्रुप के, और बारिश बारिश में तो और मजा आता है। यहाँ ग्रीनरी लश ग्रीन है। राला मंडली बारिश में चले क्या लगते थे यार बारिश तो। और यहाँ पे जब बारिश के टाइम पे ये पेड़ लंबे लंबे हो जाते हैं और सब बेहतरीन रूट हो जाता है। अभी क्या है कि ठंड के बाद का समय है ना, तो थोड़ा सा पतझड़ आ गई है, सूख गए हैं, बट स्टिल मजा तो बहुत आता है ट्रैकिंग करने में। ट्रैकिंग इज ट्रैकिंग है। ये देखो सुनील जी, काकड़ी बारदी में फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैकिंग है काकड़ी। This is adventure life. And we are ready for adventure. We are ready for adventure. रोड देखो आप, ये ऊपर पहाड़ी दिख रही है, ये देखो ऊपर। और पलाश टेसू के पेड़ भी है। अरे वाह, अभी होली में काम आएंगे, होली में काम आएंगे। क्या वो पहाड़ी की हाइट है, वहां तक जाना है हमको। तो अभी हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं काकड़ी बारदी का, आधा और ट्रैक करना है। उसके बाद सीधे ऊपर एक मंदिर आएगा, मंदिर के दर्शन करेंगे, आसपास घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। इसका वीडियो मैंने मानसून सीजन में भी बनाया था, जब बहुत सारी हरियाली थी यहाँ पे। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजूंगा, तो वो वाला वीडियो भी देखना और ये वाला भी। पीछे क्रिसेंट रिसोर्ट एंड स्पा आपको दिखेगा और इंदौर शहर के आसपास का पूरा नज़ारा दिखता है। जो ये बाईपास एरिया है, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज है सब दिखती है, और गजब एरिया है यार। मतलब सोचो कि गवर्नमेंट ने कितना प्रोटेक्ट कर रखा है आसपास के माउंटेन को। इंदौर में बिच्चो बीच इतने सारे माउंटेन हैं, तो ये अच्छी बात है इंदौर के लिए। तो ये आप सामने देखेंगे सनराइज होता हुआ, सूरज उग रहा है, और वही देखने आए हैं हम इस काकड़ी बारदी में। देखो हवा की ठंडक, कितना रिलैक्सिंग लग रहा है यार, बहुत ही आरामदायक लग रहा है। इंदौर शहर का भरपूर नज़ारा आपको यहीं से देखने को मिलेगा काकड़ी बारदी से, और एकदम रिलैक्सिंग यार, है ना। दिस इज अ वेरी गुड ट्रीट टू द आईज, आँखों के लिए एक ट्रीट है ये। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर थोड़ा सा और ट्रैक बाकी है, थोड़ा सा और आगे जाना है। ऊपर आगे जाके एक ट्रैक और मिल जाएगा और सीधे पहुंच जाएंगे हम पहाड़ी पे। तो चलते हैं सीधे। यहाँ ऊपर देख रहे हैं, पर यही वो चोटी है जहाँ पे हमको पहुंचना है, और ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमने। आप देखेंगे घास सूख गई है, बट कितना गोल्डन कलर लग रहा है, एकदम गोल्डिश। बहुत ही बेहतरीन व्यू यार, इंदौर शहर का एकदम शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और ऊपर जब पहाड़ी पहुँचेंगे तो वहाँ पे और अच्छा लगेगा। ऊपर चढ़ते हैं, देखो चिड़ियाओं के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है लोगों ने, जंगल में। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्लियर यार, बहुत शानदार। ये एकदम साउथ अफ्रीका का पूरा माउंटेन का नज़ारा दिख रहा है। पीछे आप देखेंगे पलाश टेसू, ये पलाश टेसू का पेड़ है, और यहाँ ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। जनरली होली पे इनके फूलों को सुखाकर रंग बनाया जाता है, तो ये वो पेड़ है, और ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अब इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करके सीधे वापस अपने घर जाएंगे, बाकी बहुत शानदार यादें लेके जाएंगे यहाँ से। ये है काकड़ी बारदी, ज़रूर आएँ, घूमें फिरें यहाँ पे आके, ट्रैक करें, क्योंकि इंदौर में राला मंडल तो हर कोई घूमता है, बाकी जो उसके आसपास के जो पहाड़ हैं वो घूमने के ही मज़े हैं। ये काकड़ी बारदी पहुंचने के बाद इससे लगा हुआ इसका जो एक्सटेंडेड माउंटेन है उस पर हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सा और आगे जाके इसका एक्सटेंशन है, उसमें हम जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे। वहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर भी देखेंगे, और बहुत बड़ी पहाड़ी है ये काकड़ी बारदी की, बहुत बड़ी पहाड़ी है। आपको लोकेशन बता दूँ मैं, क्रिसेंट रिसोर्ट जो है उसके जस्ट सामने ही है ये, और वहीं से ही ऊपर जाने का रास्ता है इसका। ये देखो यहाँ पे भी पक्षियों के लिए पॉट बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा एक गेस्चर है, एक बहुत ही अच्छी मानवता है।
कि आप बर्ड के लिए एटलीस्ट सोचते हो, इतनी बड़ी पहाड़ी पे आके अगर आपने किसी पेड़ पे बर्ड के लिए पानी की व्यवस्था की है तो वो एक बहुत ही ख़ास बात है। यहाँ पे वो देखने को मिलती है काकड़ी बारदी में। ये वाला कौन सा माउंटेन है सामने जो है? अच्छा, और ये वाला, ये वाला अच्छा रेणु का टेकरी, ओके। और ये वाला वो डबल हम वाला, वो तो अपन जो चले हां वो डबल हम पीछे देवगुराड़िया। अच्छा डबल, और ये सामने लाला मंडल है? नहीं वो देवगढ़, हां लाला मंडल। ये सामने देखो लाल लाल लाला मंडल, देखो इस पहाड़ी से तीन चार टेकरियां दिखती है और वो देवगुराड़िया है। हां देवगुराड़िया की ये वाली, और अभी हम जो काकड़ी में आए हैं ये वाली। ये मंदिर आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, सामने मंदिर है माता जी का, वहां पे दर्शन करेंगे और फिर हम नीचे निकलेंगे क्योंकि पहाड़ी बहुत बड़ी है, इसको आप 2-3 घंटे भी निहारेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए ये मंदिर के दर्शन करते हैं और नीचे चलते हैं। जय माता दी, कितना प्यारा मंदिर बनाया इतना ऊपर, मजा आया कि नहीं? यो तो सुनील जी, फर्स्ट टाइम कैसा लगा? फर्स्ट टाइम सुहाना सफर, सुहाना टेकरी, सुहानी सुबह, ये जंगल, मजा आ गया है। क्या अपन पानी डाल के चलेंगे? आप लोग भी फ्यूचर में जब भी यहाँ आए तो इन पॉट्स में पक्षियों के लिए पानी डाल के जरूर जाएं। काकड़ी बारदी का बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत ही शानदार रूट है, फुल एकदम विलेज वाली फीलिंग आएगी आपको। और सबसे बड़ी बात रीचेबल भी है, देवगुराड़े से आगे अपन जाते हैं तो क्रिसेंट रिसॉर्ट आता है, उसके साथ सामने ही है ये माउंटेन। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आएँ और आके पिकनिक मना के जाएँ, जो भी कच्चा पक्का खाना ले आएँ और यहाँ पे आके कुकिंग भी कर सकते हैं, अच्छी खासी पिकनिक कर सकते हैं। यहाँ पे चढ़ने का रास्ता थोड़ा ट्रिकी है, बट एक बार आपने माउंटेन चढ़ लिया तो मज़े ही मज़े हैं यार, एकदम मज़े हैं एकदम। और इस माउंटेन को चढ़ने के बाद इसका एक्सटेंशन माउंटेन भी आता है, तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम, जैसे थोड़ा और आगे आए तो यहाँ पे मंदिर भी है, तो जो इसका एक्सटेंशन वाला माउंटेन है उससे थोड़ा सा और आगे जाके इसको पूरा फुल एक्सप्लोर करें आप, कि ताकि यहाँ पे आपको पूरा आसपास का नज़ारा देखने को मिलेगा अच्छे से, तो पूरे एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे आगे घूम सकते हैं।